हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हमने फर्स्ट यूनिट जो कंप्लीट करी है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हमने प्लांट के रिप्रोडक्शन, जर्नल करेक्टर्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स और एनिमल में, जिसकी वजह से क्या आती है, वेरिएशन आती है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो ये रिप्रोडक्शन से चीजें क्या चीज है जो ट्रांसफर हो रही है और कैसे वो ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे इस यूनिट का है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या क्या आधार हैं, इनहेरिटेंस का मतलब वो चीजें जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रही हैं, उनका क्या आधार है, और जो चीजें जा रही हैं उनसे क्या क्या बदलाव आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो हम क्या है, बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्या फिजिकल चीज है जो हमारी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, उसका नेचर क्या है, सारा चीजें हम वो किस चीज से बना हुआ है, सारा हम कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसका हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, या हम कहें कि जेनेटिक्स क्या है, ये जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो जेनेटिक्स क्या है, वो साइंस जो डील करती है किसको, विद द ट्रांसमिशन ऑफ, ट्रांसमिशन का मतलब जाना, ट्रांसफर ऑफ करैक्टर। करैक्टर क्या होती है, विशेषताएं जो हैं जो ट्रांसफर हो रही हैं, गुण जो ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां से, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या जो डॉटर्स बन रहे हैं, बच्चे बन रहे हैं, उनमें जो गुण जाते हैं कहां से, पेरेंट से, वो साइंस जो उसके बारे में बताती है हमें, उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो एक साइंटिस्ट थे बैटसन, उन्होंने सबसे पहले इस जेनेटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। बैटसन वॉज द साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द जेनेटिक वर्ड। तो ये तो हुआ साइंस, साइंस को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं, या इनहेरिटेंस, मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ करेक्टर, जैसे हम कहें हमारे आंखों का रंग बच्चों का या तो फादर से मिलता है या मदर से मिलता है, तो जो वो आंखों का रंग अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो अब हेरिडिटी से ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन उस ट्रांसमिशन में मान लो हमारे किसी बच्चे के पेरेंट्स के दोनों के जो आई कलर है दैट आर ब्लैक इन कलर, काले रंग के हैं दोनों की आंखों का रंग, लेकिन बच्चे का रंग क्या है, ब्राउन कलर का हो गया है, मतलब बिल्कुल जैसे उसके पेरेंट्स के पास करैक्टर थे उस करैक्टर से बदल कर आया है, करैक्टर आ रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी बोल रहे हैं, लेकिन बदल कर आ रहा है, चेंज होकर आ रहा है, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, क्या आ गया ट्रांसफर के टाइम, ट्रांसमिशन के टाइम या हेरिडिटी के टाइम क्या आ गया, बदलाव आ गया, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी आने से जरूरी नहीं बच्चों के करैक्टर्स बिल्कुल वैसे ही मिले, पेरेंट्स से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं, वो अलग होने का कारण क्या है, वेरिएशन है, बदलाव है, लेकिन करैक्टर का जाना क्या कहलाया जाएगा, हेरिडिटी कहलाया जाएगा। तो बदलाव दो तरीके के हो सकते हैं, सोमैटिक और जर्मिनल। सोमैटिक का मतलब होता है कि जन्म लेने के बाद बच्चे में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जैसे जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके स्किन का कलर जो है वो बिल्कुल फादर मदर से मैच कर रहा है, लेकिन बाय द टाइम वो धूप में ज्यादा रहने लग गया है या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो उसके स्किन का कलर जो ड्रास्टिक चेंज दे देगा, लेकिन आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद उसमें जो चेंज आ रहा है ड्यू टू कोई भी रीजन हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है कि उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिली तो जिसकी वजह से स्किन की प्रोटीन्स नहीं बनी, तो वो चेंज जो
आफ्टर बर्थ के बाद जो आता है उस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक। मतलब अब मान लो उस बच्चे की स्किन का कलर बिल्कुल लाइट हो गया है, लेकिन उसके बाद वो उसके बच्चों में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ क्या है, सिर्फ उसी में चेंज आया है, सोमैटिक चेंज आया है, इट विल नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो वेरिएशन या वो चेंजेस जो सिर्फ एक इंडिविजुअल तक, एक पर्सन तक ही सीमित रहती हैं और उसके जन्म के बाद ही उसको मिलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन क्या है, जर्मिनल, जो किसकी वजह से आई है, जर्म सेल। जर्म सेल हमने अभी पढ़ा रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, हम गोनैड्स। क्या आएंगी, गोनैड्स। मेल्स के अंदर टेस्टीज के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेल्स में चेंज आ जाए या फीमेल्स की ओवरी के ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज आ जाए, तो अगर वहां पर चेंज आ रहा है, दैट चेंज विल बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उसमें जो बदलाव आएगा वो अगली जनरेशन में जरूर जाएगा, तो ऐसी वेरिएशन क्या कहलाती है, जर्मिनल वेरिएशन कहलाती है। लेकिन अगर ये बदलाव बहुत थोड़ा है, उस बदलाव से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन बोलेंगे। जैसे हम करें हमारी हाइट या हमारी स्किन कलर, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज है, कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्किन टोन का बच्चा नहीं पैदा होगा पेरेंट्स का, या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हाइट का बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये जो चेंज है, स्मॉल चेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। जबकि डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या होते हैं, लार्ज चेंजेस, जिसकी वजह से डिफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कोई डिजीज हो जानी किसी बच्चे में, जिसमें ब्लड की फॉर्मेशन ठीक ना हो रही हो या उसके रेटिना के सेल्स ठीक से ना बने, तो वो ब्लाइंड बच्चा पैदा हो सकता है। तो ऐसा चेंज जो लार्ज बड़े पैमाने पर हो रहा है, ऐसी वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, वो बहुत लंबी चल रही है। ठीक है, तो ये था बदलाव की इनहेरिटेंस के टाइम, ट्रांसमिशन के टाइम करैक्टर्स जो गुण जा रहे हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन में, उस वक्त जो बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है बच्चे, इट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है, कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि जो बार बार चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जो एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एवोल्यूशन बोल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चेंज जो है। तो अगर वो चेंज बेटर होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करेगा, तो वो रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, वो ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक सर्वाइव। जैसे हम कहें ह्यूमन बीइंग्स क्यों वेल एस्टैब्लिश हुए, क्योंकि उनके पास एक मेजर करैक्टर आ गया, क्या आ गया, ब्रेन आ गया, जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो गई। बाकी एनिमल्स के ऊपर हम सुपर पावर क्यों हो गए, क्योंकि वी हैव बेटर करैक्टर्स, बेटर करैक्टर होने की वजह से हम ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। तो वो क्यों हो पाया, क्योंकि इनहेरिटेंस के टाइम क्या है, जो चेंजेस होते रहे वो हमारे हिसाब से क्या होते रहे, बेटर होते रहे। तो जिसकी वजह से एवोल्यूशन के टाइम मंकी से चेंजेस होते 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 क्या बन गए, होमो सेपियंस बन गए। तो एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल का कारण ही कौन है, वेरिएशन है। दूसरा, नए नए प्लांट्स बनाने के लिए, नए नए एनिमल्स डेवलप करने के लिए भी क्या जरूरी है, वेरिएशन है, है ना। सोर्स फॉर न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। थर्ड क्या है, वेरिएशन जो होगी वो बेटर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करेगी, उसकी स्ट्रगल में, इट हेल्प इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। किसी भी एनिमल को
सर्वाइव करने के लिए क्या है, उसको प्रॉपर शेल्टर चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए। तो जो ज़्यादा बेटर होगा, जो स्ट्रांग होगा, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा और वो एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो नए नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सकता है, तो वो एवोल्यूशन को पास कर लेगा। जबकि जो स्ट्रगल में नहीं रह पाए वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो स्ट्रगल कराने में कौन मदद कर रहा है, वेरिएशन मदद कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो इनहेरिटेंस हो रहा है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, क्या चीज है वो जो इनहेरिटेंट हो रही है, क्या है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई केमिकल है। जैसे जब थ्योरीज दी गई थी तब हमें ना सेल के बारे में पता था, ना हमें न्यूक्लियस के बारे में पता था, लेकिन आज हमें पता है कि सेल क्या है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, एंड डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब हेरिडिटी का बेस क्या है, डीएनए है, है ना। लेकिन जब हमारी इनहेरिटेंस की बात स्टार्ट हुई, जब थ्योरीज दी गई लाइफ फॉर्म्स की, तो उस वक्त हमें ना सेल के बारे में पता था, ना हमें डीएनए, न्यूक्लियस, किसी चीज के बारे में नहीं पता था। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनमें से जो सबसे हम कहें कि थ्योरी काफी लंबे समय तक चली थी, वो थी थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, ये थ्योरी क्या कहती है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। ये जेम्यूल ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चला जाता है, हमारे गोनैड्स में चला जाएगा, गोनैड सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। इन गोनैड्स में जाने के बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उनमें मिक्सिंग हो जाएगी और वो इनहेरिटेंट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में। ये थ्योरी आई थी हमारी 1868 में। थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस क्या कहती है कि हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेम्यूल है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोनैड्स में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम वो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। लेकिन ये थ्योरी क्या है, 1892 में रिजेक्ट हो गई थी। किसने किया था, विस्मैन। विस्मैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी, अब अगर ऐसा कुछ है जेम्यूल में, फिर तो गोनैड्स की तो बात होनी नहीं चाहिए। जेम्यूल तो हर सेल में प्रेजेंट है, फिर तो हर सेल के पास एबिलिटी होनी चाहिए टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमें पता है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी है, सिर्फ मियोसिस का प्रोसेस, गेमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, गोनैड्स में हो रहा है ना। तो ये थ्योरी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि विज़मैन ने कहा इस हिसाब से तो एवरी सेल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद हमारी थ्योरी आई थी मेंडल। मेंडल ने थ्योरीज दी थी अपनी। मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट हु मेंडल वॉज अ साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने 1890s के आसपास अपनी थ्योरीज दी थी और 1870s में अपनी थ्योरीज दी थी। जब थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस आया था उसी के आसपास मेंडल ने भी काम किया था, लेकिन मेंडल का काम बहुत टाइम तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, क्योंकि ही इज ए मैथमेटिशियन, मैथ का बंदा था वो, मैथमेटिक्स था वो, नॉट अ बायोलॉजिस्ट। इसलिए उनके काम को ज्यादा
रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि हाउ अ मैथमेटिकल स्टूडेंट इज एक्सप्लेनिंग द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ साइंस, कि लाइफ साइंस के बारे में ये कैसे बता सकता है। लेकिन बाद में उनकी डेथ के बाद रिकॉग्नाइज हुआ कि मेंडल ने जो कहा था वो ही क्या था, बेटर थ्योरी एक्सप्लेन करती है किसकी इनहेरिटेंस की, कैसे चीजें एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रही हैं। तो इसलिए उनकी डेथ के बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स डिक्लेयर कर दिया गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जॉर्ज मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने सबसे पहले मेंडल की थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स करते हैं जो हम बार बार इस चैप्टर में यूज करेंगे। सबसे पहले है जीन। जीन टर्म तो बहुत बाद में आई थी, जो मेंडल ने टर्म दी थी वो था फैक्टर। मेंडल ने कौन सी टर्म दी थी, फैक्टर दी थी। उसने क्या कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ ना कुछ है, मतलब द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है कि हर किसी के पास फंक्शनल यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, ऐसे ही हमारी डीएनए की सबसे छोटी इकाई कहें हम, या फंक्शनल पार्ट जो हर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है वो क्या है, जीन। लेकिन मेंडल ने क्या नाम दिया था उसको, फैक्टर, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे एलील। एलील क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म का कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ए बी सी ये तीन जीन है मेरे डीएनए पर, इस डीएनए पर ये एक इकाई है, ये एक इकाई है, ये एक इकाई, तीनों काम करने वाली हैं, तीनों अपना करैक्टर शो करेंगे, इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं इनको, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये अपना गुण दिखाएगा, ये अपना गुण दिखाएगा, ये अपना गुण, तो ये क्या है, तीन जीन है। अब ये तीन जीन कितनी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, ये क्या है, इनका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये इसकी अल्टरनेट हो गया, ये क्या हो गया, इसका अल्टरनेट हो गया। तो इस अल्टरनेट को हम क्या कह सकते हैं, एलीलिक फॉर्म बोल सकते हैं। तो जैसे मैं कहूं इसकी क्या है, इस जीन की, वन जीन की कितनी एलीलिक फॉर्म है, एक कैपिटल ए और दूसरा क्या है, स्मॉल ए, दूसरी की क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कि एक जीन कितने तरीके से पाई जाती है, एक जीन कितने तरीके से पाई जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे मैं कहूं मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूं सेम टॉपिक पर, लेकिन एक बच्चा क्या है अपने तरीके से लिख कर ला रहा है, एक बच्चा अपने तरीके, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के क्या है, कई तरीके हैं, वो जो तरीके हैं जीन की टर्म में हम उनको क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। अब एक टाइम में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी एलीलिक फॉर्म्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कैसा है। जैसे मैं बात करूं हम ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, है ना, हम क्या हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, अ पेयर ऑफ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 23
पेयर हैं हमारे, हम 23 पेयर बोलेंगे, मतलब एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे में कितने बना दूं? 23 बना दूं, या मैं क्या बोलूं, 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम में क्या कहूं, एक एक डंडा 46 बार लगाऊं, तो मेरा ये क्रोमोसोम को दिखाने का तरीका है। तो अगर ये पेयर में बन रहा है, मतलब एक जैसे दो हो रहे हैं, तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड। तो डबल सेट होने पर साथ साथ क्या आ रहा है, दो क्रोमोसोम आ रहे हैं, है ना, आमने सामने। इनको हम क्या बोलते हैं, हमने 11th में पढ़ा था, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं हम इनको, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के कितने सेट है ह्यूमन बींग्स में बच्चे, 23, है ना। तो जो एक जैसे क्रोमोसोम है, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लो ये थोड़ा एक्सपैंड करके मैं दिखा रही हूं, इसके ऊपर जीन है, ये चार जीन प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये एक अपना करेक्टर दिखा रही है, मान लो बालों का रंग इस जीन की वजह से आ रहा है, आंखों का रंग इसकी जीन की वजह से आ रहा है, हमारा जो स्किन कलर है इसकी वजह से आ रहा है, ये हमारा कोई और प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। तो ये चार गुण आ रहे हैं हमारे इन चार जीन की वजह से। अब एक क्रोमोसोम पे तो ये कैसे प्रेजेंट है, ए बी सी डी, इसके साथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसके ऊपर भी ये प्रेजेंट होंगे, है ना। ये कैसा हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, है ना, दो अलग फॉर्म्स में, या कैसे हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल डी, या मैं क्या लगाऊं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, तो एक टाइम में एक जीन की कितनी एलीलिक फॉर्म है बच्चे, दो, एक इस क्रोमोसोम के ऊपर है एक इस क्रोमोसोम पे। तो एट ए टाइम एक ऑर्गेनिज्म में, किन में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितनी एलीलिक फॉर्म्स हो सकती है जीन की, दो ही हो सकती हैं। जैसे यहां पर दो एलीलिक फॉर्म्स दिखाई दे रही हैं हमें, जबकि यहां पर एक ही एलीलिक फॉर्म कैपिटल ए ही दिखाई दे रहा है दोनों पर, यहां पर स्मॉल ए ही दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एक एलीलिक फॉर्म दिख रही है। लेकिन मैक्सिमम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कितनी एलीलिक फॉर्म हो सकती है एक जीन की, दो, ठीक है। यही बात कोई आपसे ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए पूछे, कि जो ट्रिप्लॉयड होते हैं, ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या होगा, तीन का पेयर होता है, ऐसे बनेंगे क्रोमोसोम, ट्रिपल सेट। तो एक टाइम में मैक्सिमम एक जीन की कितनी एलीलिक फॉर्म हो सकती है, तीन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एलीलिक फॉर्म जानने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉयड। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स क्या है, डिप्लॉयड हैं, डबल सेट में प्रेजेंट है क्रोमोसोम, तो एक बारी में मैक्सिमम कितनी एलीलिक फॉर्म दिखाई देंगी, दो ही दिखाई देंगी, जरूरी नहीं उसमें दो ही हों। मान लो मैं कहूं, जैसे हमारा स्किन कलर है, जो स्किन होती है हमारी, उसको जो जीन रेगुलेट करती है उसकी क्या है, चार एलीलिक फॉर्म है, चार चार फॉर्म्स में। जैसे आपका ब्लड ग्रुप आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तब थोड़ा और डिटेल में समझ आएगा। तो मान लो कोई आपका करेक्टर है, कोई जीन है, उसकी चार फॉर्म्स हैं, लेकिन एक बारी में किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम कितनी दिख सकती हैं, सिर्फ दो ही, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक बारी में सिर्फ दो ही दिखेंगी, चाहे वो जीन दस, उस जीन की 10 एलीलिक फॉर्म हो, लेकिन किन में,
डिप्लॉयड में, मान लो मैं कहूं ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उनमें मैक्सिमम कितनी दिखेंगी, 3। ठीक है, तो एलीलिक फॉर्म क्या है, किसी भी जीन की कितनी तरीके से उसको दिखाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, अब एलीलिक फॉर्म के हिसाब से जैसे ये चीज मैंने बनाई है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम टर्म यूज करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है जब एलीलिक फॉर्म बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे मैंने यहां पर बनाया कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल सॉरी स्मॉल ए, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम में बिल्कुल क्या है, एक जैसी एलीलिक फॉर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, सेम एलीलिक फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन की जब क्रोमोसोम के ऊपर फॉर्म्स दोनों क्या हो, सेम हो, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाई जाती है, होमोजाइगस। इसके अपोजिट कंडीशन क्या आ जाएगी, हिट्रोजाइगस। हिट्रोजाइगस में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कि जब एक जीन की कितनी एलीलिक फॉर्म है, 2 दिखाई दे रही हैं और दोनों क्या हैं, अलग, एक स्मॉल कैपिटल ए है और दूसरा क्या है, स्मॉल, डिफरेंट एलीलिक फॉर्म, डिफरेंट एलीलिक फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजाइगस। अगली टर्म हम यूज करते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है ये जो हम दिखा रहे हैं अंदर का जेनेटिक्स, अंदर के डीएनए पर क्या लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाया जाएगा, जीनोटाइप। जैसे मैं कहूं यहां की जीनोटाइप कैसी है, कैपिटल ए कैपिटल ए, यहाँ की जीनोटाइप कैसी है, स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ की जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। जबकि इसके साथ ही एक टर्म यूज की जाती है फीनोटाइप। फीनोटाइप होता है सिर्फ जो बाहर से ढांचा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मेकअप, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मेकअप क्या कहलाता है, फिनोटाइप। इसको फिनोटाइप को समझने से पहले हम एक बात करते हैं, पहले जैसे हमने एलीलिक फॉर्म पढ़ी ना अभी, कि जब कोई जीन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उनमें से एक एलीलिक फॉर्म, 1 एलीलिक फॉर्म इज डोमिनेंट while other is recessive। एक फॉर्म तो डोमिनेटिंग होती है, डोमिनेटिंग का मतलब है वो अपना असर दिखाएगी दिखाएगी, और दूसरी क्या है, रिसेसिव, दूसरी सिर्फ जब वो अकेली प्रेजेंट होएगी तभी असर दिखा सकती है, डोमिनेंट के साथ आ गई तो वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी, तो ऐसी एलीलिक फॉर्म क्या कहलाती है, रिसेसिव। जैसे हम बात करें जितनी भी डोमिनेटिंग एलील्स होती हैं उनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे जहां पर भी मैंने कैपिटल लेटर लिखा है समझो ये डोमिनेटिंग थी, और जहां पर भी मैंने स्मॉल लेटर लिखा है वो समझो क्या है, आपकी रिसेसिव है। तो कोई भी एलीलिक फॉर्म, एलीलिक फॉर्म क्या है कि जीन की, जीन कितने तरीके से प्रेजेंट है, वो तरीका एक्सप्रेस होने के लिए क्या है, एक तो ज्यादा एक्सप्रेस होएगी उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग, और दूसरी कम एक्सप्रेस होएगी, एक्सप्रेस होने के लिए उसके पास क्या है, दोनों जगह एक जैसा ही होना चाहिए तभी एक्सप्रेस होएगी वो, तो क्या बोलेंगे हम उसको, रिसेसिव। तो ये दोनों क्या है, स्मॉल ए जहां पर आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव, जहां पर कैपिटल ए आ गया डोमिनेटिंग। अब जैसे इस कंडीशन को देखो बच्चे, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पर एक डोमिनेटिंग है और एक रिसेसिव है, तो अभी हमने बात करी रिसेसिव अपने आप को कब दिखा पाएगा, जब
दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट हो, रिसेसिव प्रेजेंट हो। तो अब जब रिसेसिव के साथ डोमिनेटिंग आ गया, ये हमें कैपिटल ए ही दिखाई देगा, ये हमें क्या दिखाई देगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए का असर नहीं दिखेगा। तो इस चीज को हम कैसे पढ़ सकते हैं कि जो डोमिनेटिंग कंडीशन है, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन हो, कैपिटल ए ये होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये कैसी कंडीशन है, हिट्रोजाइगस, हर कंडीशन में ये क्या होती है, एक्सप्रेस होएगी, दिखेगी आपको, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील्स। और रिसेसिव क्या होंगे, वो एलीलिक फॉर्म जो सिर्फ कौन सी कंडीशन में दिखाई देगी, होमोजाइगस में दिखाई देगी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलीलिक फॉर्म। कि कैपिटल ए जब होगा, जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्मॉल ए होगा, तभी ये आपको क्या दिखेगा, स्मॉल ए। लेकिन अगर ये स्मॉल ए कैपिटल ए के साथ आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल ए दिख रहा है। तो यहीं से जीन, अब ये देखो, इसका बाहर से आपको ये क्या दिख रहा है बच्चे, कैपिटल ए, ये भी आपको बाहर से कैसा दिख रहा है, कैपिटल ए, दोनों ही, जैसे मैं ये करूं, ये कैपिटल ए, एक ये आ गया स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी आपको कैसा दिखेगा, ए, ये भी कैसा दिखेगा, ए, क्यों, क्योंकि कैपिटल ए डोमिनेटिंग है। अब इसका बाहर से ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, कैपिटल ए, इसको हम क्या बोल देंगे, फिनोटाइप बोल देंगे, ये क्या है, इसकी फिनोटाइप है, क्या दिख रहा है, ये हमें कैपिटल ए दिख रहा है। लेकिन जीनोटाइप क्या होता है, कि इंटरनली वो कैसा है, ये इंटरनली कैसा है, कैपिटल ए के लिए क्या है, ये होमोजाइगस है, कैपिटल ए के लिए क्या है, होमोजाइगस, और ये कैसा है, इंटरनली कैसा है, ए हिट्रोजाइगस है ये, क्योंकि दूसरे पर क्या है, स्मॉल ए, तो इंटरनली बदल गया ना, तो ये जीनोटाइप इनकी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन बाहर से दोनों कैसे दिख रहे हैं, ए, मान लो मैं कहूं ग्रीन कलर है जो वो डोमिनेटिंग है, अब जैसे मैं कहूं डार्क ग्रीन और एक लाइट ग्रीन, इसमें से डार्क ग्रीन जो है वो डोमिनेटिंग है, तो यहां से आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल डार्क ग्रीन का पत्ता ही दिखेगा, और डार्क ग्रीन तब भी क्या दिखेगा, डार्क ग्रीन, लेकिन इंटरनली क्या है, इस वाले के पास लाइट ग्रीन वाला कलर भी है अंदर, लेकिन वो डार्क ग्रीन की वजह से उसका रंग दिखाई नहीं दिया। जब आप दो रंगों को गाढ़े हरे के साथ फीका हरा घोल दोगे, तो आपको फीका हरा दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि जब आप किसी भी डोमिनेटिंग एलील के साथ रिसेसिव एलील को मिक्स कर दोगे, दिखेगी सिर्फ आपको कौन सी, डोमिनेटिंग एलील ही, लेकिन इंटरनली वो क्या है, डिफरेंट है, उसके पास स्मॉल ए भी है, रिसेसिव भी है। तो जब इंटरनली चीज को हम जानते हैं, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप, उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसकी एलील्स कैसे हैं, यहाँ पर एलील्स कैसे हैं, होमोजाइगस, यहाँ पर एलील्स कैसे हैं, हिट्रोजाइगस। तो जब हम इंटरनली जानते हैं, वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप। जब हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, सिर्फ बाहर से देख रहे हैं कि हरा रंग आ गया है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फिनोटाइप। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने ध्यान से समझनी है, नेक्स्ट हम कल करेंगे।